शब्दों के स्थान पर जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे तत्, संस्कृत में तत् और तत् की हिंदी क्या होगी? वर्ण। ठीक है, तो तत् मीन्स वर्ण। अब इसमें एक वचन, दो वचन और बहुवचन के बारे में बताया गया है आपको बच्चों, आप लोग अच्छे से उसको पढ़िए और समझिए। इसमें है पुल्लिंग, एक वचन में पुल्लिंग, पुल्लिंग में जो पुरुष जाति का बोध कराए उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले लिंग को पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में इसमें निर्जीव वस्तु भी आती है और वह वस्तु आती है जो वस्तु एक जगह रखी होती है, वो भी जुड़ नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती है, समझ गए? उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अब देखिए पुल्लिंग में सा, सा मीन्स वह बालक, पुल्लिंग में आता है सा मीन्स वह बालक, तो मीन्स वे दोनों बालक, ते मीन्स वे सब बालक। इसी तरह स्त्रीलिंग में सा, अभी इसमें हलंत लगी थी और विसर्गें लगी थी और इसमें आ की मात्रा जब हम लगा देंगे सा में तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। सा मीन्स वह बालिका, ते मीन्स सा ते ता। ठीक है, स्त्रीलिंग की पहचान क्या है? बालिका में सा ते ता। सा मीन्स वह बालिका, एक वचन, ते मीन्स वे दोनों बालिकाएं, ता मीन्स वे सब बालिकाएं। ठीक, इसके बाद नपुंसक लिंग में तत्, तत् मीन्स वह पुस्तक, एक, तत् मीन्स वह पुस्तक, एक, ते मीन्स वे दोनों पुस्तकें और तान मीन्स वे सब पुस्तकें। तो नपुंसक लिंग में तत्, ते, तान। ठीक, तत् मीन्स वह पुस्तक, ते मीन्स वे दोनों पुस्तकें, तान मीन्स वे सब पुस्तकें। इसी तरह ये क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम। अब सर्वनाम, दूसरा सर्वनाम देखिए बुक में, एतत्, एतत् मीन्स यह, एतत् मीन्स यह, यह में क्या होगा? पुल्लिंग में देखिए बच्चों, ऐसा, ऐसा मीन्स एक, एतो मीन्स ये दोनों, एते मीन्स ये सब। इसके बाद स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में ऐसा विसर्ग लगी और ऐसा में आ की मात्रा लगी, तो स्त्रीलिंग में ऐसा है यह, एते और एता, ऐसा मीन्स यह, एते मीन्स ये दोनों और एता मीन्स ये सब। इसी तरह नपुंसक लिंग में एतत्, एतत् मीन्स यह, एते मीन्स ये दोनों, एतान मीन्स ये सब। समझ में आ गया? अब आइए किम, किम मीन्स क्या, क्या और कौन। इसमें क्या है? एक वचन, दो वचन, दो वचन। पुल्लिंग में का मीन्स कौन, कौ मीन्स कौन दोनों, के मीन्स कौन सब। ठीक है, स्त्रीलिंग में का मीन्स कौन, के मीन्स कौन दोनों और का मीन्स कौन सब। नपुंसक लिंग में किम के कान, किम के कान, किम मीन्स क्या, कान मीन्स क्या दोनों और के मीन्स क्या दोनों, कान मीन्स क्या सर। ठीक, इसी तरह अब आइए अगले सर्वनाम में, इदम मीन्स यह, इदम मीन्स यह, इसमें पुल्लिंग में अयम, इमो, इमे, अयम, इमो, इमे, अयम मीन्स यह, इमो मीन्स ये दोनों, इमे मीन्स ये सब। ठीक, इसके बाद स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमा, इयम मीन्स यह, इयम, इमे, इमा, इयम मीन्स यह, इमे मीन्स ये दोनों और इमा मीन्स ये सब। और नपुंसक लिंग में है इदम, इमे, इमान, इदम मीन्स यह, इमे मीन्स ये दोनों, इदम मीन्स ये सब। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट पेज में अस्मद, मैं, तीनों लिंगों में समान रूप से होता है।
नपुंसक लिंग में हो। सभी में अस्मत का जो रूप होता है वो समान होता है, कौन सा? अहम आवाम वयम। अहम आवाम वयम, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। ठीक, इसी तरह युष्मत, युष्मत मीन्स तुम। इसमें भी तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं, युष्मत के तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, और चाहे नपुंसक लिंग हो। उसमें भी तुम युवाम युवम, तुम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, युवम मीन्स तुम सब। ओके, ये तीनों रूप हम सभी लिंगों में लगाएंगे। इसी तरह बच्चों आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हीं रूपों को याद करेंगे। धन्यवाद।